रहमान रहीम माहिर रबीउल अव्वल ने ये काम कभी ना करना। इसलिए कि माहिर रबीउल अव्वल अल्लाह के रसूल की आमद का महीना और उस अस्थी की आमद का फिर इस बार परवरदिगार ने पूरा कुरान ना सकते। कुरान बायस शफा और बायस रहमत, जिस तरह अल्लाह के रसूल रहमत लिल आलमीन है, इसी तरह कुरान भी क़यामत तक इंसानों के लिए रहमत का ज़रिया है। परवरदिगार की तरफ से हर बीमारी, हर दुख परेशानी का हल कुरान में मौजूद है। लिहाजा पूरा साल कुरान जो है वो पढ़ा रहता है और उसको खोलते नहीं है। हालांकि कुरान का पढ़ना सवाब, सुनना सवाब, कुरान को देखना सवाब, कुरान को लिखना सवाब, इन्हें हर तरफ से सवाब ही सवाब है, लेकिन कुरान बंद पड़े हुए हैं। लिहाजा माहिर रबीउल अव्वल ने कुरान को खोला, कुरान की ज़ियारत करें। ये कुरान मुर्दों के लिए नहीं आया, जिंदा लोगों को हदायत के लिए आया। लिहाजा रोज़ाना एक आयत, कम अज़ कम 10 आयात की तलावत करें उस तर्जमे के साथ। इसलिए कि क़यामत के रोज़ 3 लोग आपके खिलाफ आएंगे, 3 चीज़ें आपके खिलाफ आएंगी। पहली मस्जिद, कि जिसको बनाया इबादत के लिए कोई जाता नहीं। दूसरा कुरान, कि जो हर घर में मौजूद है, जो आया इंसानों की हिदायत के लिए लेकिन उसे बंद रखा हुआ है, ये भी आपके खिलाफ गवाही देगी। और तीसरा अलमतीन, कि जिसने इतनी मेहनत करके जो है वो दीन सीखा और कोई उससे दीन लेने वाला नहीं। लिहाजा माहिर रबीउल अव्वल ने कुरान को खोले और इसकी आयात की तिलावत करें तो खुदावंद आलम आप पर रहमत ही रहमत नाज़िल करे।